वेलकम फ्रेंड्स, आज जो हम स्कीम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है लोटस एचआर प्रोजेक्ट। लोटस एचआर प्रोजेक्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये इसका एक्रोनिम है, इसका फुल फॉर्म हमें देखना है। ये लोटस कुछ कमल से रिलेटेड है नहीं, और ये जो एचआर दिया है वो ह्यूमन रिसोर्स से भी रिलेटेड नहीं है। ये आपको पहले ही ध्यान रखना है, ठीक है? अगर इसमें अगर क्वेश्चन आता है तो वो आपको इसमें ट्रैप कर सकते हैं कि एचआर है तो ह्यूमन रिसोर्स से कुछ होगा, और आपको ऑप्शन में वैसा स्टेटमेंट दे सकते हैं और वो जो कि गलत होगा, ठीक है? तो अभी हम देखते हैं लोटस का एग्जैक्ट फुल फॉर्म है क्या। आप इन पॉइंट्स को नोट करते चलना जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक के अंदर आने वाली ये स्कीम है। इससे पहले का जो वीडियो है जो वज्र फैकल्टी का है, तो वो भी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आने वाला स्कीम था, तो वो मैंने इसके पहले किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप इस चैनल की 100 गवर्नमेंट स्कीम्स वाली प्लेलिस्ट में जाके उसको पहले देख सकते हैं, और उसके बाद इस वाले वीडियो पे आ सकते हैं, ठीक है? और इसके बाद भी एक वीडियो आने वाला है जो इंस्पायर या मानक स्कीम के ऊपर रहेगा, तो वो भी आप साथ में ही कर लेना, ठीक है? ये तीनों जो स्कीम्स रहेगी वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर आने वाली है, इसीलिए मैंने वो एक के पीछे एक लिए है, और उसके वीडियोस भी एक के पीछे एक बनेंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं। लोटस एचआर है क्या? लोटस एचआर है, उसका फुल फॉर्म लोकल ट्रीटमेंट ऑफ अर्बन सीवेज स्ट्रीम्स फॉर हेल्दी रीयूज, ठीक है? लोकल ट्रीटमेंट ऑफ अर्बन सीवेज स्ट्रीम्स फॉर हेल्दी रीयूज। तो नाम से हमें क्या क्या समझ रहा है? लोकल ट्रीटमेंट यानी कि वही के वही ट्रीट करना है। किस चीज़ को? अर्बन सीवेज को, जो अर्बन सीवेज रहता है, ठीक है, तो उसको ट्रीट करना है फॉर हेल्दी रीयूज, तो उसका रीयूज भी करना है, ठीक है? तो ये सब इसमें आएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है? इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये हमें ध्यान में रखना है, कौन सी मिनिस्ट्री है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली मिनिस्ट्री है। इट इज़ एन इंडो नेदरलैंड जॉइंट प्रोजेक्ट। देखिए, इसमें दूसरी कंट्री के साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो वो दूसरी कौन सी कंट्री है? इंडो नेदरलैंड जॉइंट प्रोजेक्ट। तो ये हमें फैक्ट है, याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। इट एम्स टू डेमॉन्स्ट्रेट अ नोवल हॉलिस्टिक वेस्ट मैनेजमेंट दैट विल क्लीन वाटर एंड रिकवर न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी फ्रॉम अर्बन वेस्ट वाटर। देखिए, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो अर्बन वेस्ट वाटर है यानी कि जो अर्बन सीवेज है, तो उसको ट्रीट करना है, और साथ में उससे न्यूट्रिएंट्स को और एनर्जी को रिकवर करना है, और फिर जो बचा हुआ जो होगा तो उसको हमें वेस्ट में डालना है, ठीक है? ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली जो सीवेज है उसको हमें नदियों में छोड़ देना है, उसका पहले ट्रीटमेंट करना है, और उस ट्रीटमेंट में से हमें न्यूट्रिएंट्स को रिकवर करना है, साथ में एनर्जी को भी रिकवर करना है, और बाद में वो सीवेज को हमें जो रिवर्स है उसमें डंप करना है, ठीक है? तो इससे क्या क्या होने वाला है? नेक्स्ट पॉइंट में दिया है, स्पेशल अटेंशन टू पैथोजन रिमूवल ऑफ पॉल्यूटेंट रिमूवल, ठीक है? यहाँ पे क्या दिया है? ये ऑन ऑफ नहीं है, यहाँ पे एंड है, ठीक है? स्पेशल फोकस कहाँ पे रहेगा हमारा? पैथोजन के रिमूवल पे, यानी कि पैथोजन कौन होगा? जो कोई भी डिसीज़ को कैरी करता है उस कैरियर को हम बोले कि पैथोजन, उसका रिमूवल करना है। और पॉल्यूटेंट रिमूवल यानी कि कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जो रिवर्स को पॉल्यूट करेंगे, तो उनको भी हमें रिमूव करना है सीवेज में से, ठीक है? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम इसमें क्या कर रहे हैं। तो हमें जस्ट इसके बारे में याद क्या रखना है कि ये अर्बन सीवेज ट्रीटमेंट के लिए ये प्रोजेक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसमें इन्वॉल्व है, और इंडो नेदरलैंड जॉइंट इनिशिएटिव है। तो ये इतनी अगर तीन चीज़ें भी हम इसमें याद रखते हैं तो भी अगर हम इसमें से अगर एमसीक्यू आता है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने वाली बात है नहीं कि ये क्या होगा, इससे कैसे एग्जैक्टली कैसे होगा, और इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व कर रहे हैं वगैरह वगैरह, उतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ऊपर से इतना ही याद रखना है, अर्बन सीवेज ट्रीटमेंट के लिए है, इंडो नेदरलैंड जॉइंट प्रोजेक्ट है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है? तो आई होप आपको ये लोटस एचआर प्रोजेक्ट वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।